हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हो कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, हमने लास्ट लेक्चर में कुछ एमसीक्यूज देखे थे जर्नल एंट्रीज के बेस पे और लेजर अकाउंट्स के बेस पे, राइट। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो में उसे आप देख सकते हो, राइट। तो आज जो है हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और हमारे नए टॉपिक का नाम क्या है, कैश बुक, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी सारे एमसीक्यूज जो हैं इसमें से निकलने के चांसेस हैं, ठीक है। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, आज की वीडियो में हम इसकी थोड़ी सी ब्रीफिंग देखेंगे, कैशबुक को जानेंगे, पहचानेंगे कि कैशबुक होती क्या है, कितने टाइप्स की होती है, क्या यूज़ होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बेस पे जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बेस पे हम एमसीक्यूज करेंगे, राइट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कैशबुक के साथ। तो देखो, हमने जर्नल के बारे में पढ़ा, हमने लेजर के बारे में पढ़ा, ठीक है। हमने देखा कि जर्नल में हर कोई एंट्री आती है और वो कैश की एंट्री भी आती है, और अगर लेजर की बात करूं तो लेजर के अंदर हम एक कैश अकाउंट बनाते हैं। लेकिन हमारा बिजनेस जो होता है, आप सब जानते हो कि बिजनेस में मैक्सिमम ट्रांजेक्शन जो होती हैं वो किस बेस पर चलती हैं, कैश के बेस पे चलती है। बिजनेस में जितनी नंबर ऑफ एंट्रीज होंगी वो कैश के बेस पे होंगी मैक्सिमम, ठीक है। हम बहुत कम होगा कि उधार करेंगे, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, कैश होता है। तो वो सारी की सारी एंट्रीज लेजर बुक में या जर्नल में एंटर करना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। हम हर एक कैश ट्रांजेक्शन को जर्नल में एंटर करते रहेंगे, फिर जर्नल से ट्रांसफर करेंगे लेजर में, इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। वो टाइम भी कंज्यूम करेगा और अकाउंटेंट के एफर्ट्स भी बहुत कंज्यूम करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम ना कैश की ट्रांजेक्शन को जर्नल में एंटर करते, ना हम कैश की ट्रांजेक्शन को लेजर में एंटर करते, ठीक है। इसके लिए हम एक स्पेशल बुक बनाते हैं जिसका क्या नाम दिया जाता है, कैश बुक, ठीक है। जिसका हम क्या नाम देते हैं, कैश बुक। तो अगर छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको बताऊं तो बिग बुक इन विच ऑल कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड, बुक, ऐसी बुक इन विच ऑल कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड, ठीक है। तो ऐसी बुक जिसमें हम सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स जो कि कैश के रिलेटेड होती है उसको एंटर करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कैश बुक बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड कैश बुक। तो आप साथ साथ नोट्स बना सकते हो, ठीक है, रिवीजन के लिए, ठीक है। और ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं हमारी, रिसिप्ट एंड पेमेंट। यहाँ पे हम रिसीट और पेमेंट की ही बात करेंगे, जो चीज़ें हमारे पास आएंगी उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे और जो हमारे से जाएंगी, जो हम पेमेंट्स कर रहे हैं उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो दिस इज कैश बुक, ठीक है। छोटी सी इन्फॉर्मेशन मिली आपको कैश बुक के बारे में। देखो, जनरली हम क्या करते हैं, जनरली हम कैश अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। जनरली हम जनरल में एंट्री करते हैं, मैक्सिमम बिजनेस जो होते हैं वो कैश बुक नहीं बनाते हैं, क्यों, क्योंकि कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन या तो कम होती है या तो इतनी होती है कि वो मैनेजेबल होती हैं। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो जर्नल पहले बनाते हैं, जर्नल के बाद उसको लेजर में ट्रांसफर करते हैं और उसका कैश अकाउंट नाम देते हैं। लेजर में कैश के अकाउंट को क्या बोलते हैं, कैश अकाउंट बोलते हैं। हमने जब लेजर पढ़ा उसमें हमने कैश अकाउंट बना के भी देखा। देखो, कैश बुक और कैश अकाउंट जो है दे बोथ आर सिमिलर, ठीक है। लेकिन जो कैश बुक होती है इट एक्ट एज, आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है, इट एक्ट एज बोथ जर्नल एंड लेजर, ये एक्ट करती है बोथ जर्नल एंड लेजर। तो आपको ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि भाई प्रॉपर्टी बताओ आप कैश बुक की, तो हम क्या बताएंगे, इट एक्ट एज जर्नल एंड लेजर, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है, कैश बुक एक्ट एज जर्नल, कैश बुक एक्ट एज लेजर, बोथ ए एंड बी या और नन ऑफ दीज, इस तरह के चार ऑप्शन आ सकते हैं। तो आपको क्या मार्क करना है, बोथ ए एंड बी जर्नल, राइट। तो ऐसा हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होता है कैश के रिलेटेड ट्रांजेक्शन बढ़ती रहती हैं और कैश को हम कैश अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते बिकॉज इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम। आपको पता है लेजर क्या होती है, लेजर एक बुक होती है और उस बुक में वेरियस अकाउंट्स होते हैं,
उस बुक में बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं और हर एक अकाउंट को थोड़ा थोड़े पेजेस दिए जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कैश अकाउंट को भी थोड़े से पेजेस दे दूंगा तो कैश ट्रांजेक्शन इतनी सारी होती हैं कि वो उस उन पेजेस में कंप्लीट ही नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए हम एक सेपरेट सी कॉपी ही, सेपरेट बुक ही बना लेते हैं जिसमें हम सिर्फ कैश के लिए ट्रांजेक्शन लिखते हैं और इसमें ये सिंगल एंट्री होती है, इसमें सिंगल एंट्री की जाती है, इसमें सिंगल एस्पेक्ट देखा जाता है, ठीक है। इसमें सिर्फ सिंगल एस्पेक्ट देखा जाता है। सिंगल एस्पेक्ट की बात करूं, देखो जैसे हमने परचेजेस की, या मेरे पास कैश आया टू स्टॉक, मैंने कैश क्या किया, कैश आया मेरे पास और स्टॉक मेरा क्रेडिट हुआ, तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक चीज़ लिखूंगा, सिर्फ कैश वाली एंट्री लिखूंगा, ना कि स्टॉक वाली। हम सिर्फ कैश के रिलेटेड एंट्रीज लिखेंगे, ना कि स्टॉक के। देखो सेम फॉर्मेट रहेगा। अगर फॉर्मेट की बात बताऊँ, फॉर्मेट की बात अगर करूँ तो फॉर्मेट जो होगा इसका वो सेम कैश अकाउंट जैसा रहेगा। आपको इस तरह से एक पार्टीशन करनी है, ठीक है। यहाँ पे क्या रहता है आपका डेट, यहाँ पे क्या होता है पर्टिकुलर, यहाँ पे क्या होता है अमाउंट, बीच में लेजर फॉल्यू भी होता है, ठीक है। देन डेट, डेट आएगी, पर्टिकुलर आएगा, फिर अमाउंट आएगा। तो ये फॉर्मेट रहता है आपका किसका, कैश बुक का, ठीक है। इसको आप यहाँ से पार्टीशन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आप डेट लिखोगे, लेफ्ट वेल साइड एज ऑलवेज आपकी क्या रहेगी, डेबिट साइड रहेगी, और राइट साइड क्या रहेगी आपकी, क्रेडिट साइड रहेगी, ठीक है। तो आप फॉर्मेट देख लो इसका फॉर्मेट क्या है। हालांकि ये आपको एग्जाम में बिल्कुल नहीं आने वाला, आपको नहीं पूछा जाएगा कि फॉर्मेट क्या होता है, लेकिन हाँ आपसे ये जरूर पूछा सकता है कि राइट साइड ऑफ कैश बुक क्या होती है और लेफ्ट साइड ऑफ कैश बुक क्या होती है। तो राइट साइड ऑफ कैश बुक इज क्रेडिट साइड, ठीक है, एंड लेफ्ट साइड ऑफ कैश बुक इज डेबिट साइड। राइट साइड ऑफ कैश बुक जो है वो हमारी पेमेंट्स को लेके आएगी, यहाँ पे सारी की सारी पेमेंट्स लिखी जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे हमारी सारी की सारी क्या लिखी जाएंगी, यहाँ पे हमारी रिसीप्ट्स लिखी जाएंगी, रिसीट्स लिखी जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कैशबुक के बारे में ये रहती है कि कैशबुक की ये वाली साइड कभी भी इससे बड़ी नहीं हो सकती, क्रेडिट साइड कभी भी डेबिट साइड ज़्यादा नहीं हो सकती। देखो क्या पेमेंट आपकी आपकी रिसीविंग से ज़्यादा हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती ना। तो हमेशा डेबिट साइड जो होगी ये पॉजिटिव बैलेंस शो करेगी, ठीक है। कैशबुक की पॉजिटिव साइड हमेशा, सॉरी डेबिट साइड हमेशा पॉजिटिव बैलेंस शो करेगी, राइट। तो इतनी बात समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं है इसके बारे में। तो हम आगे मूव ऑन करते हैं कि कैशबुक की टाइप्स कितनी होती हैं, ठीक है। मैं सिर्फ उतना पढ़ा रहा हूँ जितना आपको ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे जाके आप जब ऑब्जेक्टिव करोगे तो आपको पता लगेगा कि आपने जितना किया उसमें से सारे के सारे ऑब्जेक्टिव जो है आपके कवर हो रहे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम, नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, टाइप्स ऑफ कैश बुक। तो कैश बुक जो है जनरली तीन टाइप की दिखाई जाती है हमको, लेकिन एक्चुअली देर आर फोर टाइप्स ऑफ कैश बुक, ठीक है। और आपको कभी भी ऑब्जेक्टिव आएगा तो आपको फोर टाइप्स मेंशन करना है। पहली इज सिंगल कॉलम कैश बुक, सेकेंड इज डबल कॉलम कैश बुक, एंड थर्ड इज ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ठीक है। फोर्थ की अगर बात करूं तो फोर्थ टाइप हमारी क्या है, इसको बोला जाता है पेटी कैश बुक। दिस इज पेटी कैश बुक। तो दीज आर फोर मेन टाइप्स ऑफ कैश बुक, ठीक है। दीज आर फोर मेन टाइप्स ऑफ कैश बुक। इसके अलावा एक और कैश बुक होती है जिसको हम मल्टीपल कैश बुक कहते हैं, लेकिन उसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस चार टाइप्स याद रखनी है कि चार टाइप्स होते हैं कैश बुक की, और आपको पता करना है कि इसमें होता क्या क्या है। अगर मैं सिंगल कैश बुक की बात करूं तो इसमें सिर्फ हम कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन लिखते हैं, ओनली कैश, ठीक है। इसमें ट्रांजेक्शन किसके रिलेटेड लिखी जाएंगी, सिर्फ कैश के रिलेटेड। सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश के रिलेटेड ट्रांजेक्शन लिखी जाएंगी, जबकि डबल कॉलम कैश बुक की बात करूं तो इसमें कैश और डिस्काउंट दोनों तरह की ट्रांजेक्शन्स लिखी जाएंगी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं ट्रिपल कॉलम की कैश बुक की बात करूं तो थर्ड कॉलम क्या होगा हमारे पास, पहला हमारे पास कॉलम होगा कैश का कॉलम,
फिर होगा हमारे पास डिस्काउंट का कॉलम, और फिर होगा हमारे पास बैंक का कॉलम। तो आपको सबसे पहले तो सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। सिंगल कॉलम में सिर्फ एक कॉलम होता है, वो कॉलम किसका होता है? कैश का होता है। डबल कॉलम में होता है कैश और डिस्काउंट, और ट्रिपल कॉलम में क्या होता है? कैश, डिस्काउंट और बैंक। मैं अभी आपको इनका फॉर्मेट बना के दिखाता हूँ। तो मैं सबसे पहले सिंगल कॉलम बना रहा हूं, सबसे पहले सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहा हूं मैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे डेट, जो मैंने सबसे पहले बनाई थी वो क्या थी? सिंगल कॉलम कैश बुक, डेट। फिर आप लिखोगे पर्टिकुलर, फिर आप लिखोगे कैश, ठीक है, कैश अमाउंट, ठीक है। बीच में आपने लेजर फोलियो डालना तो आप डाल सकते हो, ठीक है, बीच में लेजर फोलियो डाल सकते हो। देन अगर बात करूं तो यहां पे फिर आएगा हमारे पास डेट, फिर आएगा हमारे पास पर्टिकुलर्स, फिर आएगा हमारे पास कैश, ठीक है। तो दिस इज योर सिंगल कॉलम कैश बुक। इसमें सिर्फ एंट्रीज किसके रिलेटेड होंगी? कैश के रिलेटेड। इसमें हम सिर्फ कैश के रिलेटेड एंट्रीज देखेंगे। बात समझ में आई? तो ये फॉर्मेट है किसका? सिंगल कॉलम कैश बुक का। फॉर्मेट याद करने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, पेटी कैश बुक होती है, मैं आपको भी पहले इन तीनों में डिफरेंस समझा दूं, फिर मैं आपको पेटी कैश बुक के बारे में समझाऊंगा, बिकॉज इन तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें एक टर्म आती है कॉन्ट्रा एंट्री की, ठीक है, जो कि आप सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहो ताकि मैं आपको बता दूं, आपको वीडियो के लास्ट तक जानने के लिए मिल जाएगा कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, और उसके बेस पे काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स जो है वो देखे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये थी हमारी सिंगल कॉलम कैश बुक। सिमिलरली यहां पे अगर मैं कैश की जगह यहां पे एक और कॉलम बना दूं, कैश एंड डिस्काउंट, ठीक है, तो यहां पे भी कैश के साथ क्या लगा दूंगा मैं? कैश एंड डिस्काउंट। तो इसको क्या बोल देंगे हम? डबल कॉलम कैश बुक, जहां पे हमको कैश के साथ में डिस्काउंट भी दिख रहा है। दिस इज कॉल्ड एज डबल कॉलम कैश बुक, दिस इज कॉल्ड एज डबल कॉलम कैश बुक। और अगर मैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक की बात करूं तो इसमें हम किसको ऐड कर देते हैं? इसमें हम बैंक को भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहां से आपकी पार्टीशन हो रही है, तो यहां पे हम किसको ऐड कर देंगे? बैंक को भी ऐड कर देंगे, ठीक है, ठीक है। इस तरह का फॉर्मेट देखा जाता है आपके पास, ठीक है, सिंगल कॉलम का, डबल कॉलम का और ट्रिपल कॉलम का, राइट। चलिए, तो सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम में डिफरेंस आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप दोबारा पूछ सकते हो। ये साइड आपकी डेबिट साइड रहेगी और ये साइड आपकी क्रेडिट साइड रहेगी, ये साइड आपकी क्रेडिट साइड रहेगी, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा डिफरेंस सिंगल में, डबल में और ट्रिपल में। एक बार नोट कर लो, मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं। इसके बाद हम देखेंगे कि पेटी कैश बुक क्या होती है, और उसके बाद हम देखेंगे कि कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है। चलिए, आई होप आपने लिख लिया होगा ये सब कुछ। तो मैं ये फॉर्मेट को रब कर रहा हूं, थोड़ा सुंदर नहीं बना ये, लेकिन अपनी कॉपी पे आप सुंदर बना लेना, बिकॉज मेरी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, तो इतना तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, राइट। चलिए, तो देखो, पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक मतलब पेटी क्या होती है? छोटे मोटे, ठीक है। पेटी का मतलब क्या होता है? छोटा, ठीक है। तो जिस बुक में हम छोटे मोटे खर्चे लिखते हैं, जिस बुक में हम छोटे मोटे खर्चे मेंशन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? पेटी कैश बुक। फॉर्मेट बिल्कुल सेम कैश बुक वाला ही, लेकिन देखो कई बार क्या होता है, अकाउंटेंट देखता है भाई इतनी ट्रांजेक्शन हो गई हैं कैश की, मैं क्या करूं, ठीक है। तो वो क्या करता है, डेली यूज का जो होता है, जैसे हमारा स्टेशनरी का सामान हो गया, जैसे डेली कस्टमर आ रहा था मुझे, उसको चाय पानी पिलाना है, ठीक है, उसको कोल्ड ड्रिंक पिलानी है, या कोई भी डेली के हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वो मैं सारा का सारा कैश में करूंगा। और अगर वो सारे के सारे खर्चे मैं कैश बुक में एंटर करता रह जाऊंगा तो मेरा तो पूरी की पूरी बुक ऐसे ही खत्म हो जाएगी। डेली के मेरे पास 50 कस्टमर आएंगे तो मैं 50 कस्टमर्स के लिए अगर कोल्ड ड्रिंक ला रहा हूं तो वो सारा का सारा मुझे उसमें एंटर करना पड़ेगा कैश बुक में, ठीक है। उनके लिए अब मेरे को बिजनेस के लिए, अगर मेरा स्टेशनरी का कोई बिजनेस है तो मेरे को अगर बिजनेस के लिए स्टेशनरी चाहिए, स्टेशनरी का बिजनेस नहीं है लेकिन मेरे को बिजनेस के लिए अगर स्टेशनरी चाहिए तो मैं स्टेशनरी एंट्री सारी की सारी क्या करूंगा? कैश बुक में एंटर करूंगा? नहीं। तो अकाउंटेंट के माइंड में एक आइडिया आया, वो कहता है कि मैं कुछ पर्टिकुलर अमाउंट, जैसे 10
1,000 रुपये मैंने सेपरेट निकाल दिए, 10,000 रुपये उसने सेपरेट निकाल के रख दिए, और वो कह दिया उसने अपने छोटे वाले असिस्टेंट को, उसने अपने असिस्टेंट को बोला कि भाई ये ले और इसको एंटर कर दे पेटी कैश में। तो ये क्या होता है, जो जो भी हम अकाउंटेंट हो चाहे पेटी कैश वाला हो, वो क्या करता है अपना अमाउंट जो होता है वो पेटी कैश बुक में एंटर कर देता है, ठीक है। जब पेटी कैश बुक में एंटर कर देता है तो उसके डेबिट साइड में पैसे आ जाते हैं, फिर डेली के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ना वो अपने क्रेडिट साइड से खत्म करता रहता है, और लास्ट में जो उसका बैलेंस है वो उसको कैश बुक में एंटर करवा देता है, राइट। तो ये होती है हमारी पेटी कैश बुक। यानी पेटी कैश बुक के बारे में आपको अगर जानना है तो आपको सिर्फ इतना जानना है कि ये डेली एक्सपेंसेस के लिए होती है, बिकॉज हम सारे के सारे एक्सपेंसेस जो है वो कैश बुक में एंटर नहीं कर सकते, सारी के सारी चीज़ें जो है वो कैश बुक में भी एंटर नहीं कर सकते। तो हमने एक सेपरेट कैश बुक बना लेते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं पेटी कैश बुक, जिसमें छोटे मोटे खर्चे होते हैं, जिसमें बड़े खर्चे नहीं होते। तो मैंने यहाँ लिखा छोटे मोटे खर्चे, तो दिस इज योर पेटी कैश बुक। तो चार टाइप्स हमने कैश बुक की, सिंगल, डबल, ट्रिपल एंड पेटी कैश बुक। तो दीज आर फोर मेन टाइप्स ऑफ कैश बुक, राइट। चलिए अब एक बार हम क्या करते हैं, एक बार कॉन्ट्रा एंट्री को समझते हैं कि कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, राइट। मैं कैश बुक का फॉर्मेट बना रहा हूं एक बार फिर से। और हम थोड़ी सी एंट्रीज करके देखेंगे अभी। तो ये मैं ट्रिपल कॉलम बना रहा हूं, राइट। ये हमारा मेन पॉइंट है डिफरेंस का, ठीक है। ये आएगा डेट, ये आएंगे हमारे पर्टिकुलर्स, तो ये बन गई हमारी एक साइड। क्या आएगा इसमें, ये फॉर्मेट देख लो ट्रिपल का दोबारा से, और अगर किसी को पहले समझ नहीं आया तो मैं थोड़ा साफ साफ लिखने का ट्राई करता हूं। ठीक है, कैश, डिस्काउंट और बैंक। फिर यहां पे स्टार्ट करूंगा, यहां पे क्या आएगा डेट, फिर यहां पे क्या आएगा पर्टिकुलर्स, फिर यहां पे आप लिखोगे लेजर वॉल्यूम, फिर आप यहां पे क्या लिखोगे कैश लिखोगे, फिर यहां पे डिस्काउंट लिखोगे, कैश लिखोगे, डिस्काउंट लिखोगे और बैंक लिखोगे। तो दिस इज योर फॉर्मेट फॉर ट्रिपल कॉलम कैश बुक, दिस इज योर फॉर्मेट फॉर ट्रिपल कॉलम कैश बुक। अब थोड़ी सी एंट्रीज करके देखते हैं इसमें। परचेस्ड, मैं एंट्री करके देख रहा हूं, परचेस्ड गुड्स फॉर, अब यहां एंट्री लिखने की जरूरत नहीं है तो मैं ऊपर ही लिख रहा हूं, परचेस्ड गुड्स फॉर ₹5,000, ठीक है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं इसका, ओपनिंग बैलेंस कितना है इसका, ओपनिंग बैलेंस हम कैश का बता देंगे कितना, हमारा कैश का बैलेंस कितना है 5,000, ठीक है, या 15,000, और बैंक का है 50,000, ठीक है। ट्रांजेक्शन की यहाँ पर जगह नहीं है, मैं यहाँ पे स्पेस नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ट्रांजेक्शन्स को लिखो मेरे साथ। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज ओपनिंग, ओपनिंग बैलेंस जो है वो कैश का कितना है, ओपनिंग बैलेंस कैश का कितना है 15,000, और बैंक का कितना है 50,000। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, कैश टू ओपनिंग, ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस कैश का मैंने कितना बताया 15,000, ठीक है, और बैंक का कितना बताया मैंने 50,000। ये है आपका ओपनिंग बैलेंस, राइट। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव किया है डेटर्स से कितना 2,000, ठीक है। अगर डेटर्स से रिसीव कर रहा है, और मैंने कहा कि रिसीविंग किस तरफ आती है, रिसीविंग आती है आपकी डेबिट साइड, ये आपकी डेबिट साइड है और ये आपकी क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड हमेशा रिसीविंग के लिए होगी। तो टू डेटर,
डेटर से मेरे को पैसा मिला, यहाँ पे डेटर का नाम लिख सकते थे, तो कितना मिल रहा है मेरे को 2000, तो मैं कैश में एंट्री करूँगा, डिस्काउंट का भी कोई चक्कर नहीं है, डिस्काउंट नहीं आएगा, ठीक है, ये भी यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। सिमिलरली हम एक बात करते हैं, हम यहाँ पे कहते हैं कि पेड टू क्रेडिटर्स, अगर क्रेडिटर्स को पे कर रहा है तो क्रेडिटर्स को कितना पे करेगा मेरे भाई, देखो क्रेडिटर्स को कितना पे करेगा, हम बता रहे हैं यहाँ पे, उसने मान लो 4000 रुपये पे कर दिए, तो 4000 रुपये अगर वो क्रेडिटर को पे कर रहा है, ये ट्रांजेक्शन साथ साथ लिखो आप, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं ट्रांजेक्शन बना रहा हूँ साथ में आपके, लेकिन आपको ये लिखना है, पहली ट्रांजेक्शन मैंने बताई आपको ओपनिंग बैलेंस इतना, ठीक है, फिर कैश रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स लिखना है आपको 2000, फिर आपको पेड कैश टू क्रेडिटर्स लिखना है 4000, ठीक है। तो कैश अगर क्रेडिटर्स को पे कर रहे हो तो कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा बाय क्रेडिटर्स, तो कितना पे कर रहे हैं भाई 4000 पे कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से एंट्री की जाती है, ठीक है, जितने भी आपके पेमेंट्स हैं वो बाय वाली साइड आएंगी, जितनी भी आपकी रिसीविंग है वो टू वाली साइड आएंगी, दिस इज टू साइड, दिस इज बाय साइड, दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड, ठीक है। तो ये बात समझ में आना है, लास्ट में हम जाके इसको बैलेंस करते हैं और हमको बैलेंस मिलता है। मैं सपोज कर रहा हूँ अभी मेरे पास इतनी ही एंट्रीज हैं, मैं सपोज कर रहा हूँ अभी, मैं सिर्फ सपोज कर रहा हूँ अभी, मैंने आगे आपको पढ़ाना है, मैं आपको सपोज कर रहा हूँ अभी इतनी ही एंट्रीज हैं। अब एक और हम ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, पेड चेक फॉर स्टॉक परचेस्ड, उसने स्टॉक परचेज किया और उसके लिए चेक पे किया, उसके लिए चेक से पेमेंट किए, तो मैं क्या लिखूंगा, बाय परचेजेस, पेमेंट जा रही है मेरी, क्यों जा रही है, क्योंकि मैं परचेजेस कर रहा हूँ, और कितने का दे रहा हूँ मैं, 15000 का चेक, तो 15000 कट जाएगा मेरा बैंक में से, है ना, ये बात समझ में आ गई आपको। अब यहाँ से मुझे क्या करना होता है, मुझे इसको बैलेंस करना है, मैं बिल्कुल थोड़ी सी ट्रांजेक्शन ले रहा हूँ, क्योंकि ये सब समझने वाली बात है, आपको जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए, जर्नल एंट्रीज के बेस पे ही आप ऑब्जेक्टिव्स कर लोगे। इसके बारे में जो चीज़ें हैं मैं सारी की सारी आपको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं, हम इसको बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे कितना बैलेंस आ रहा है मेरे पास, यहाँ पे आ रहा है मेरे पास 50000 रुपये, और ये कितना है मेरे पास 17000 रुपये, ठीक है। अगर यहाँ 50000 है तो यहाँ भी 50000 होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यही साइड हमेशा बड़ी आएगी, तो टोटल जो होगा यहाँ से कैरी करेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा 17000 तो होना चाहिए, लेकिन ये 4000 है, तो बाय बैलेंस कितना आएगा, तो बैलेंस कितना होगा, मैं 17 में से 4 गए, तो एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास बैलेंस कितना होगा 13000 इसका और 35000 इसका, तो दिस इज योर बैलेंस, दिस विल बी योर बैलेंस। तो इस तरह से आप एक कैशबुक बनाते हो, ठीक है। मैंने आपको एंट्रीज बताई किस किस तरह से करते हैं, आपने एंट्रीज ज़रूर लिखी होंगी, ठीक है, और आपको समझ भी आया होगा कि कैश वाली साइड जो हमारी रिसीविंग साइड है वो यहाँ पे होगी, जो हमारी पेमेंट साइड है वो यहाँ पे होगी, ठीक है। और मैंने आपको बैलेंस करके भी बताया कि किस तरह से आप इसको बैलेंसिंग करते हो, ठीक है। तो बैलेंस ये रहा, बाय बैलेंस आ गया, ठीक है। तो ये था आपका कैश अकाउंट। अब हम बात करते हैं किसकी, इसी के बीच में कॉन्ट्रा एंट्री हमेशा किस में होती है, जहाँ पे कैश भी हो और बैंक भी हो, जिस कैश बुक में आपको कैश और बैंक वो मिल जाए, ठीक है, कैश और बैंक मिल जाए, वो चाहे सिंगल हो सकती है चाहे डबल हो सकती है, ठीक है। हो सकता है आपको डबल क्या हो, बैंक और कैश हो, ठीक है, डिस्काउंट बाद में दिया हो, ठीक है, हो सकता है डिस्काउंट उन्होंने कॉलम ही ना रखा हो। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि कॉन्ट्रा एंट्री कहाँ कहाँ हो सकती है, तो वो कहाँ कहाँ हो सकती है, डबल कॉलम कैश बुक में और ट्रिपल कॉलम कैश बुक में। कॉन्ट्रा एंट्री कहाँ कहाँ हो सकती है, डबल कॉलम में और ट्रिपल कॉलम में। अब जरा पता लगाइए कॉन्ट्रा एंट्री होती क्या है। देखो, जिस एंट्री के दो इफेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट दोनों, ठीक है, जिस एंट्री के कैश बुक में दो इफेक्ट होते हैं, जो एंट्री कैश बुक में दो इफेक्ट शो करती है उसे क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। और इफेक्ट जो होता है वो एक बैंक पे शो होता है और एक कैश पे शो होता है। कैसे, मैंने एक एंट्री लिखी, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक बैंक में से 5000 रुपए निकाल लिए। अब हम निकाल रहे हैं तो दैट मीन्स, अब इसको मैं मिटा रहा हूं, ये अगर हम निकाल रहे हैं बैंक में से पैसा, तो इसका क्या मतलब हो रहा होगा, बाय कैश, कैश से जा रहा होगा, ठीक है। जब कैश से ही जा रहा होगा तो कैश से क्या कम होगा, तो कैश से कम क्या होगा, 5000 रुपए कम हो जाएंगे, यहां पे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन देखो,
अगर मैं बैंक से कैश निकाल रहा हूँ तो मेरे पास कैश भी तो आएगा ना, तो मेरे को कैश की भी एंट्री, कैश के बैंक से तो हम पैसे निकाल रहे हैं उसकी एंट्री कर दी, लेकिन इसकी एक एंट्री डबल एंट्री होती है क्या, कि अगर मैं कैश बैंक से निकाल रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पर भी तो आना चाहिए टू बैंक। यहाँ पे आप सी लिख दो कॉन्ट्रा, ठीक है सी कॉन्ट्रा। ये एक एंट्री के हमने दो एस्पेक्ट लिखे कि पहले तो हमने कैश बैंक से निकाला तो निकालने की हमने ट्रांजेक्शन जहाँ से कर ली, पेमेंट यहाँ से आ गई, लेकिन अगर मैं अपने ही पास कैश निकाल रहा हूँ तो मेरे पास कैश आएगा भी तो सही, तो कैश मेरा 5,000 बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है, जिसके दो इम्पैक्ट होते हैं। जैसे मैंने कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक में से कैश निकाला, ठीक है, तो बाय कैश से कैश कम हो जाएगा 5,000, लेकिन अगर कैश कम हो रहा है तो ये कैश के ट्रांजेक्शन यहाँ कैश वाले में भी तो आएगी ना, अगर कैश मैं निकाल रहा हूँ तो कैश में बस आएगा भी, राइट। आपके पास अगर बैंक में पैसे पड़े हुए हैं 5,000 रुपये, आपके पास बैंक में 50,000 रुपये पड़े हुए हैं, ठीक है, आपने जब उसमें से पैसे निकाल लिए तो आप अपने बैंक अकाउंट को तो कम कर दोगे लेकिन अपने कैश वाले अकाउंट को तो बढ़ाओगे ना, तो वही तो हमने किया यहाँ पे, वही तो होती है कॉन्ट्रा एंट्री कि एक एंट्री के जब डेबिट और क्रेडिट, यहाँ पे हमारा क्रेडिट बैंक जो होगा हमारा क्रेडिट हो जाएगा और हमारा जो कैश होगा वो डेबिट हो जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। इसकी एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, ठीक है, डिपॉजिट कैश इन बैंक 15,000। अब मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया कैश, अगर मैं कैश बैंक में डिपॉजिट करूं तो बैंक क्या हो जाएगा, टू बैंक हमारा डेबिट हो जाएगा टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा कितना 15,000, बैंक हमारा 15,000 से डेबिट हो जाएगा और मेरी कैश जो होगी, और कैश जो होगी मेरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी 15,000 से, कैश मेरी 15,000 से कम हो जाएगी, ठीक है। तो यह भी क्या है, कॉन्ट्रा, ठीक है, ये कॉन्ट्रा वन, इसको मैं 1-1 लिख रहा हूँ और ये 2, ठीक है, ताकि मेरे को पता लग जाएगा ये 1 वाली 1 की कॉन्ट्रा है, 2 वाली 2 की कॉन्ट्रा है, ठीक है, बात समझ में आई। तो कॉन्ट्रा एंट्री समझ में आ गया होगा आपको क्या होता है, कोई भी डाउट उसके माइंड में नहीं रहा होगा किसी के किसी भी बच्चे के माइंड में। अगर अभी भी कोई डाउट है आपके माइंड में तो आप मेरे से डेफिनेटली पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट कैश बुक, नेक्स्ट क्लास में हम इसके बेस पे ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है, हम अराउंड 20 ऑब्जेक्टिव्स करेंगे जिसमें से आपको सारे के सारे डाउट्स जो होंगे आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, हर एक चीज़ का डाउट मैं आपका क्लियर करूंगा उन ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे, ठीक है, ताकि कैश बुक में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, तो थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो, एग्ज़ाम आपका अभी फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे तो प्रिपरेशन आपको अभी से स्टार्ट कर देनी है, राइट। तो ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर।